ఆగ్రాలో ఎస్పీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో మాట్లాడుతున్నారు. హలైప్ చూద్దాం. तो पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी जीत करके जाएंगे. बताओ इन प्रत्याशियों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अगर अब भी नहीं जीते तो बताओ क्या सम्मान है इस गठबंधन का? अगर पहले चरण के लोगों ने जिता करके दिखा दिया तो जो रात में तूफान चला उससे तेज तूफान से वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और फिर हमारे मनोज कुमार सोनी जी जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने तमाम लोगों से अपील करेंगे, समाजवादी साथियों से भी, इनका चुनाव चिन्ह चाहे हाथी हो, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं लड़ रहा लेकिन हाथी वाले ही आपके साथी है, एक एक वोट इनके पक्ष में डालना. फतेहपुर सीकरी से भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित चुनाव लड़ रहे हैं, ये चाहे जैसे हों लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी हैं. ये जीतेंगे और आप लोग इन्हें जिता करके भेजना, यही भी निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं. इन्हें समय कम मिला लेकिन दिन रात घूम रहे हैं, दिन रात मिल रहे हैं लोगों से, इसलिए मदद करोगे इनकी कि नहीं करोगे? और मथुरा में तो सबको जगा दिया इन्होंने. कुंवर नरेंद्र सिंह जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह भी याद रखना. इनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, इसे सपा और बसपा के लोग दोनों मिलकर के इनको जिताने का काम करना. और फिर हम तो इसलिए मांगने आए क्योंकि कृष्ण भगवान वहां हैं. ये भाजपाइयों ने तो सब भगवानों की जाति बता दी थी, हनुमान जी की भी जाति बता दी थी, इसलिए भाजपाइयों को सबक सिखाना है. जिन्होंने समाज को, हमारे आपके रिश्तों को और संविधान से लेकर के तमाम संस्थाओं को तोड़ने का काम किया है, आज जो चीजें हो रही हैं देश में, आज जो तमाम चीजों का सामना करने पड़ रहा है, वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि आज ऊंची ऊंची कुर्सियों पे दो शपथ लेने वाले बैठ गए हैं. और यही महागठबंधन, ये दिलों का गठबंधन, ये दलों का गठबंधन, गरीबों का गठबंधन उन्हें हटाने का काम करेगा. उसके लिए भी चुनाव है. आप सबसे निवेदन करता हुआ और बधाई देता हुआ कि इतना शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और हमें भरोसा है कि जिस समय वोट पड़ेगा तो एक एक वोट हाथी और हैंडपंप के पक्ष में डाल करके उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे. आप सबको बहुत बहुत बधाई. और आज सभी, मैं कहता हूँ, अरे अजीत सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें.